start. Hello students, hello viewers, learners. Today we are going to discuss a very important topic of educational psychology, that is Robert Ganey's views on learning. Okay, Robert Ganey, and I am Dr. Rashmi Singh, assistant professor in Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. It is a constituent college of the University of Allahabad, and here it is my email ID by which you can contact me. Okay, so let's start our journey. First of all, we have to know who Robert Ganey was. Robert Ganey कौन थे? पहले ये तो जान ले. तो Robert Ganey एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत important, बहुत महत्वपूर्ण पद रहा है उनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में. और उन्होंने सबसे पहले हमें कुछ बातें बताई जिनके लिए वो हमें याद, हम उनको याद करते हैं. क्या बताया उन्होंने? Ganey was among the first theorists to stop seeing a one-size-fits-all description of student learning and suggest that people learn in different ways. मतलब Ganey ने हमको सबसे पहले बार ये समझाया, Ganey साहब ने, कि one size fits all description of student learning को इन्होंने मना किया. मतलब कि जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, उसका जो अधिगम है वो सिर्फ एक तरीके से नहीं हो सकता है, बल्कि कई तरीके उसके होने चाहिए. जो कि इसके पहले माना जाता रहा था कि नहीं, वन साइज फिट्स ऑल, इस तरीके को उन्होंने मना किया. और वन साइज फिट्स ऑल कहाँ माना जा रहा था? बिहेवियरिज्म में मोर और लेस माना जा रहा था. क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे स्टिमुलस है, रेस्पॉन्स मिलता है, कनेक्शन होता है, कनेक्शनिज्म होता है और कंडीशनिंग हो जाती है. ठीक है. फिर जो Ganey का मॉडल है, वो Ganey's theory and model has both behaviorist and cognitive influences. ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि Ganey साहब, चूंकि प्रादुर्भाव उनका तभी हुआ जब बिहेवियरिज्म का जमाना था, तो उन्होंने शुरुआत तो बिहेवियरिस्ट से अप्रोच से की, लेकिन कालांतर में उनकी थ्योरी में कॉग्निटिव पुट आ गया. तो बिहेवियरिस्ट भी हैं वो और कॉग्निटिविस्ट पुट भी उनकी थ्योरी में हमको मिलता है. तो एमलगमेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अप्रोचेस ही हैड. ओके, that he focused on determining cognitive processes and their capabilities, the expected outcomes considered behaviorist in nature. देखिए, आपको पता है हम लोग behaviorism जान चुके हैं, हम लोग cognitivism जान चुके हैं. तो हम ये जानते हैं कि cognitivism कब होगा? जब हम cognition की बात करेंगे. cognition की बात कब करेंगे? जब हम mental processes की बात करेंगे. okay, तो जैसे ही mental process की बात करते हैं, वैसे ही हम cognition कॉग्निटिविज्म को फॉलो करने लगते हैं. तो इन्होंने कहा, ये किस पे, इनकी इनकी थ्योरी पे बल दिया गया है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड देयर कैपेबिलिटीज, यानी कि जो मानसिक संक्रियाएं हैं और जो योग्यताएं हैं, लेकिन जो आउटकम निकल के आ रहा है वो क्या है? लर्निंग आउटकम, जो कि मिजरेबल भी होना चाहिए, वो उन्होंने बिहेवियरिस्ट इन नेचर हो गया. तो दोनों चीजें हो गई, बिहेवियरिस्ट भी हो गया और कॉग्निटिविस्ट भी हो गया. और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध बुक है, प्रसिद्ध किताब है, जिसमें इन्होंने ये कंडीशंस ऑफ लर्निंग और इनका जिक्र किया है, उसका नाम ही है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग एंड थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन. और ये 1965 में आई. और ये आपके लिए वैसे भी जरूरी है, ये सवाल, ये बात जानना, ये फैक्ट जानना, क्योंकि इस पर भी कभी सवाल पूछ देते हैं कि Ganey ने किस किताब में अपनी थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में या कंडीशंस ऑफ लर्निंग के बारे में बताया था. तो हमारी किताब का नाम ही है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ एंड थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन. और एक और बुक इन्होंने को ऑथर की है, ऑल्सो को ऑथर विच बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. तो हमको बुक का नाम रखना, याद रखना भी जरूरी है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और Ganey ने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, वो क्या किया है? लिंक्ड लर्निंग आउटकम्स विद इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. क्योंकि हम लोग जनरली लर्निंग आउटकम और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को अलग अलग करते हैं. अच्छा, एक बात और आपको बता दें, अक्सर क्या होता है, बहुत से लोग Ganey साहब को सिर्फ कंडीशंस ऑफ लर्निंग के रूप में जानते हैं, उसी से उनको मेल करते हैं कि उन्होंने कंडीशंस ऑफ लर्निंग के बारे में बताया, और इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बारे में भी उन्होंने बताया. जबकि Ganey साहब ने कंडीशंस ऑफ लर्निंग बताई है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बताया है और कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस या लर्निंग आउटकम की भी बात की है. तो हम सबको इन टोटैलिटी लेकर चलेंगे, ताकि जब हम Robert Ganey को पिक कर रहे हैं, तो Robert Ganey से संबंधित कोई चीज हमसे छूटे नहीं. कंडीशंस ऑफ लर्निंग उनका मोस्ट प्रॉमिसिंग एक तरीके का थ्योरी है. और बहुत, जब हम साइकोलॉजी में Robert Ganey साहब को पढ़ते हैं, तो यही पूछते हैं कि कंडीशंस ऑफ लर्निंग बताइए, या Robert Ganey's व्यू ऑन लर्निंग बताइए, कि उन्होंने अधिगम पर क्या कहा. लेकिन यही बात जब हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन पढ़ते हैं, कहाँ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में,
तो जब वहां रॉबर्ट गैने आते हैं तब हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो इनको कंडीशंस ऑफ लर्निंग में पढ़ा था तो ये क्या चीज है, या कई बार हम उसको बिना जाने ही हमारी बीएड एमएड की पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो हम ऐसे इग्नोरेंट बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि इनको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट गैने हैं तो उन्होंने कंडीशंस ऑफ लर्निंग कहा है, उन्होंने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन हमको समझाई है और उन्होंने लर्निंग आउटकम्स की बात भी की है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या देखते हैं कंडीशंस ऑफ लर्निंग के बारे में। हम ये देखेंगे लर्निंग थियरी एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में क्या कोरिलेशन है, इसको जान लें। What is the correlation between, what is the relationship between what? Learning theory and instructional design. So, learning theory and instructional design mein kya sahsambandh hai? Learning theories and research often provide information about relationships among instructional components and the design of instruction, indicating how specific techniques, strategies, the best fit within a given context and with specific learners. क्यों ये बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम ये हमारे मन में कोई भ्रम ना रहे कि लर्निंग थ्योरी क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या है, कैसे दोनों से संबंध है, क्यों ये बात एक साथ की जा रही है। क्योंकि जब हम साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म पढ़ लेते हैं, फिर जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के भी सिलेबस में हमको मिलता है जाके इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, और वहां हमको फिर मिलता है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन माने क्या, अनुदेशनात्मक नमूना, यही तो उसकी हिंदी होगी ना, यानी कि अनुदेशन देने का डिजाइन हम तैयार कर लें, तो वो डिजाइन हम किसी ना किसी फिलॉसफी के तहत ही तैयार करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म का अगर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होगा तो वो कैसा होगा कि हमको लर्नर को वो मौके देने हैं जिससे वो कंस्ट्रक्ट कर सके अपनी रियलिटी। अगर हम बिहेवियरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्ट्रक्शनल डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमको उसको ऐसा स्टिमुलस देना है कि वो रिस्पॉन्स दे, अगर वो प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको रीइन्फोर्समेंट देना है ना। तो कोई भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होगी वो बेस्ड लर्निंग थ्योरी पे ही होती है, इसलिए हमको ये चीजें एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी मिलती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के भी सिलेबस में हमको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के साथ बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म मिल जाता है। ठीक, तो ये कोरिलेशन आपको पता होना चाहिए। देन लर्निंग थ्योरीज प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड अलाउ फॉर रिलायबल प्रेडिक्शन ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। मतलब जो मूलभूत हमको बॉडी प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की वो कौन होता है, लर्निंग थ्योरीज होती हैं, जो हमको बताती हैं कि लर्निंग कैसे होंगी, कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो हम उसी के हिसाब से अपनी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाएंगे। फिर लर्निंग थ्योरीज आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ, सॉरी यहाँ डबल हो आ गया, गलती है, सोर्स ऑफ वेरीफाइंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एज वेल एज फाउंडेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज। यानी कि लर्निंग थ्योरीज ही हमको बताती हैं कि हमको कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी चुननी है और वो कितनी प्रभावी होगी स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए। ओके, तो ये है लर्निंग थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ये हेडिंग बात आ रही है, कुछ गड़बड़ हो गया। देन कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जो सबसे रॉबर्ट गैरे को अगर बीएड में भी पढ़ते हैं हम, तो हम कंडीशंस ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एमएड में या एमए में पढ़ते हैं तब ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन वाला मैटर आता है, तो हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग के विषय में रॉबर्ट गैरे ने क्या कहा, देखिए पहली बात तो ये जान लें कि ये हायरार्की है, हायरार्की का मतलब पदानुक्रम है, पदानुक्रम का मतलब कि जो जैसे लिखा है हमको वैसे ही याद करना है, हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। फिर सिग्नल लर्निंग जो है वो लोएस्ट है और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, हाईएस्ट लेवल है। जैसे इस डायग्राम में देखिए तो सिग्नल लर्निंग सबसे नीचे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे। फिर सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको मिलता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, कहीं कहीं प्रिंसिपल लर्निंग के नाम से मिलता है, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, अच्छा, तो जो ये सिग्नल लर्निंग है वो किसके समकक्ष है, किसके समतुल्य है, क्लासिकल कंडीशनिंग के। देखिए शुरू कहां से कर रहे हैं, बिहेवियरिज्म से शुरू करें, आपका देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉम्प्लेक्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सब क्या है, बिहेवियरिज्म है। लेकिन नीचे आते आते हम जब उच्चतर स्तर पर पहुंच रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो क्या हो गया, कॉग्निटिविस्ट हो गया अप्रोच। क्यों, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कि कॉग्निशन है, आपकी मेंटल प्रोसेसेस हैं, कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ संक्रियाएं चल रही हैं, तो ये एक तरीके से हायरार्की कैसी है, बिहेवियरिज्म टू कॉग्निटिविज्म है। ओके, तो
सिग्नल लर्निंग का मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर आप क्लासिकल कंडीशनिंग जानते हैं इसका मतलब आप सिग्नल लर्निंग को समझ सकते हैं क्या है सिग्नल लर्निंग। फिर स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग का मतलब एस आर कनेक्शन, यानी कि आप छात्र को स्टिमुलस देंगे और वो रेस्पॉन्स करेगा। फिर मतलब और ये भी आपको देखना है हायरार्की हमेशा क्या होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो सिग्नल लर्निंग है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हाईएस्ट या उच्चतम स्तर का अधिगम है। तो जब हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स पे आए तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन्स कि जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल को जब आप स्टिमुलस देंगे तभी वो रेस्पॉन्स देगा, बल्कि इंडिविजुअल अपना रेस्पॉन्स देता रहता है और वो रेस्पॉन्स जो फेवरेबल रेस्पॉन्स होता है उस पर उसको अगर रीइंफोर्समेंट मिल जाए तो वो सीख जाता है कि उसको ये सीखना है। चेनिंग यानी कि कई ऐसा बॉन्ड अगर जुड़ जाएंगे, श्रृंखला बना लेंगे, श्रृंखलाबद्ध हो जाएगा तो वो चेनिंग हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। मीन्स ऐसा लर्निंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, चेनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे कई एसआर बॉन्ड जुड़ चुके हैं। देन वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन का क्या मतलब, एसोसिएशंस यूजिंग वर्बल कनेक्शंस, यानी कि चेन में भी एसोसिएशन बन गया। देखिए हम छोटे से शुरू करें और उसे बढ़ते बढ़ते बड़े तक जा रहे हैं। फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन से क्या तात्पर्य है, डिफरेंट रेस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई, यानी कि यहाँ पे छात्र ये सीख जाता है कि उसको डिफरेंट रेस्पॉन्स को डिफरेंट स्टिमुलाई देना है। ऐसा नहीं कि हमको कुछ भी पूछा जाए एक ही जवाब देना है ना, कई बार हम लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन प्रश्न कोई भी पूछा जाए उत्तर एक ही देते हैं, ये हम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अभी हम अभी आधे में पहुंचे, प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंचे भी नहीं, तब भी हमको डिस्क्रिमिनेट करने सीख जाना है क्या कि कौन से रेस्पॉन्स पे कौन सा स्टिमुलाई देना है। फिर कंसेप्ट लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग का क्या मतलब, कंसेप्ट का क्या मतलब होता है कि एक कोई भी हमने कंस्ट्रक्ट लिया है उसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब मिलकर एक कंसेप्ट बनाते हैं। जैसे अगर हम कोई चौपाया जानवर का कंसेप्ट है तो क्या होगा कि उसके चार पैर होंगे, है ना, वो तेजी से दौड़ता होगा या वो किस तरीके की उसकी आकृति होगी, एक हमारे दिमाग में कंसेप्ट बन जाता है ना। तो उसी तरह से कंसेप्ट का क्या मतलब है, जनरल रेस्पॉन्स टू ए क्लास ऑफ स्टिमुलस, यानी कि एक वर्ग के जो स्टिमुलस होंगे उनको हम एक तरीके का रेस्पॉन्स देंगे, ये क्या है, कंसेप्ट लर्निंग। सॉरी। फिर रूल लर्निंग या प्रिंसिपल लर्निंग क्या है, चेन ऑफ टू और मोर कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट के लिए जब चेनिंग हो जाएगी तो क्या हम सीख जाएंगे, प्रिंसिपल लर्निंग सीख जाएंगे। और हाईएस्ट स्टेज पे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू न्यू सिचुएशंस, मींस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को इन्होंने हाईएस्ट स्टेज दी है। यानी हमने शुरू कहां से किया, एसआर लर्निंग से शुरू किया और करते करते हम कहां तक आ गए, पहले हम सीखे, फिर हम एसआर सीख गए, फिर चेन बन गई, फिर एसोसिएशन हो गया, फिर हमने डिस्क्रिमिनेशन करना सीख लिया, फिर हमने ये सीख लिया कि कैसे एक क्लास को एक तरीके का रिस्पॉन्स देना है। देन हमने प्रिंसिपल सीख लिया कि डिफरेंट कंसेप्ट को हम एक चेन बना देंगे अगर कंसेप्ट की, तो उनको कैसे सीखना है। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या हो जाएगा कि जो हमने सीख लिया है उसको डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो है वो मूलभूत कंसेप्ट है रॉबर्ट गेनिस का कंडीशंस ऑफ लर्निंग। देन नेक्स्ट ये है इनका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का कंसेप्ट। देखिए इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में इनके 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इस नाम से भी पूछते हैं कि आप गैने साहब का 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बताइए या गैने की इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को डिस्कस कीजिए। तो ये गैने की इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। इसमें भी हम शुरू कहां से कर रहे हैं, गेन अटेंशन। फिर यानी कि हमको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्लास में बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम बच्चे का अटेंशन सीख करने की कोशिश करें। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि दिस डिजाइन डायरेक्टली कोरिलेट्स विद हिज लर्निंग थ्योरी, इसीलिए पहले लर्निंग थ्योरी बताई फिर आपको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बता रहे हैं, उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। फिर ईच ऑफ द 9 इवेंट्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस, जो इतने 9 दिए हैं आपको वो प्रत्येक जो है वो एक इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, उसके समकक्ष होता है, एंड नेसेसरी फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस, और महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कहां से चलेंगे, गेन अटेंशन, मतलब प्रेजेंट द लर्नर विद एन इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी दैट एंगेजेस द लर्नर, यानी कि जब आप क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट को तो हमको लर्नर का अटेंशन सीख करना है। देन इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि लर्नर को ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है उसका जो ये पढ़ने आ रहा होगा। फिर स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी कि हमको प्रीवियस एक्सपीरियंस से उसको जोड़ना है। देन प्रेजेंट स्टिमुलस, उसको कोई स्टिमुलस देना है। फिर प्रोवाइड लर्नर गाइडेंस,
हमको एग्जाम्पल्स शो करने हैं. फिर इलिसिट परफॉर्मेंस माने कि प्रेजेंट द लर्नर प्रैक्टिस एक्टिविटीज, हमको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना. फिर प्रोवाइड फीडबैक, उसको फीडबैक प्रोवाइड करना है. देन असेस परफॉर्मेंस, उसका असेसमेंट करना है. एंड देन एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, वहां पे भी लास्ट में क्या था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहाँ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज. तो ये जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है वो कंडीशंस ऑफ लर्निंग से कॉरेस्पॉन्ड, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. एंड लास्ट जो हमको इनका कंसेप्ट पढ़ना है वो है कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस, या जिसको कि गैने लर्निंग आउटकम भी कहते हैं. कौन कौन सी है ये? इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, वर्बल इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड एंड मोटर स्किल्स. इंटेलेक्चुअल स्किल्स में डिस्क्रिमिनेशन कंसेप्ट, प्रिंसिपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग. कॉग्निटिव स्ट्रेटजी का मतलब ये कि कॉग्निशन आया इसमें, तो ये क्या है? स्ट्रेटजीज फॉर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको कि मेटाकॉग्निशन भी कह सकते हैं. वर्बल इंफॉर्मेशन मींस फैक्ट्स एंड बॉडीज ऑफ नॉलेज. एटीट्यूड मींस चॉइस ऑफ एक्शंस टुवर्ड पर्सन, प्लेस एंड थिंग. एंड मोटर स्किल्स का मतलब स्किल्ड फिजिकल बिहेवियर. इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऊपर के तीन हमारे कॉग्निटिव डोमेन है, फिर एफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन. तो जैसे कि हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं कॉग्निटिव, एफेक्टिव, साइकोमोटर, उस तरह से गैने का क्लासिफिकेशन ये है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, वर्बल इंफॉर्मेशन. अच्छा, कहीं कहीं आपको वर्बल इंफॉर्मेशन फर्स्ट मिलता है, फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, देन इंटेलेक्चुअल स्किल्स. कहीं मोटर स्किल्स पहले मिलता है, एटीट्यूड ऐसे मिलता है. लेकिन ये हायरार्की नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग आउटकम्स है, तो इनके हमको सिर्फ नाम याद रखने हैं. तो गैने ने इनको क्या कहा? लर्निंग आउटकम कहा. एंड द टीचर शुड टीच द लेसन विद दीज गोल्स इन माइंड, यानी कि जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो हमको इन उद्देश्यों को, इन लक्ष्यों को अपने दिमाग में रखना है कि हमको इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे काम करना है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी देखनी है, वर्बल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, बच्चे का एटीट्यूड भी डेवलप करना है, और स्किल बेस्ड भी टीचिंग होनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई फाइन मोटर स्किल हम उसकी डेवलप कर पाए. तो ये हो गया क्या लर्निंग आउटकम या कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपने कंडीशंस ऑफ लर्निंग रखी उसके हिसाब से जब आपने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाई तो क्या निकल के आएगा, आउटकम क्या निकल के आएगा, परफॉर्मेंस क्या देगा स्टूडेंट. ठीक है, तो रॉबर्ट गैने साहब हो गए साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरिस्ट एज वेल एज कॉग्निटिविस्ट. कंडीशंस ऑफ लर्निंग, एसआर लर्निंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, एंड देन लर्नर लर्निंग आउटकम और कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस. सो लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क इज व्हाट गैने'स थ्योरी प्रपोजेस, रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स, आउटकम्स एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस. एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी मेड मोर एफिशिएंट बाय फॉलोइंग इट्स हायरार्की. यानी उन्होंने क्या बताया हमको, देखो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन आउटकम और कॉग्निटिव प्रोसेसेस में संबंध बताया, और अगर हम इनकी हायरार्की फॉलो करें तो हम बढ़िया इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस वॉज द कंक्लूडिंग रिमार्क. एंड एट लास्ट थैंक यू ऑल.